जिसको लॉन्च किया था 2013 में नरेंद्र मोदी जी ने, और जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस थे और यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था पेरिस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो गुरुग्राम इंडिया में है। देखिए इसका एम क्या है कि प्लेटफॉर्म देगा, इंक्रीज करेगा डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी को टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंगिंग ऑफ एनर्जी एसेस होना चाहिए। ये इंश्योर किया कि एनर्जी सिक्योरिटी को एंड ड्राइविंग द एनर्जी ट्रांजिशन इनटू मेंबर कंट्री, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा मेंबर कंट्री को। ठीक है, इसका मेंबर देखिए एमेंड करेगा इसको फर्स्ट मेंबर एग्रीमेंट 2020 जो ऑल मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशन आर नाउ एलिजिबल टू ज्वाइन एएसआई, तो ज्वाइन कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। एट प्रेजेंट देखिए 94 कंट्रीज है जो सिग्निफाई रेटिफाई कर रहे हैं नेशनल सोलर एलायंस फ्रेमवर्क को। देखिए गवर्नेंस क्या है, देखिए असेंबली ऑफ नेशनल सोलर एलायंस डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच मेंबर कंट्रीज।